अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और मैं आपको आज इस वीडियो में एबीबी इन्वर्टर के कूलिंग फ़ैन के बारे में बताऊंगा कि अगर वो ख़राब हो जाए तो उसे किस तरीके से आप रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो ये देख लें दोस्तों, ये एबीबी इन्वर्टर के कूलिंग फ़ैन है। इसके अंदर दोस्तों ये आप रैपर को थोड़ा सा मूव करेंगे, इसके नीचे आपको एक फ्यूज़ नज़र आएगा दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, इस फ्यूज़ को आप चेक करेंगे कि आया ये फ्यूज़ कहीं ओपन तो नहीं हो गया किसी वजह से। अगर ठीक है दोस्तों, तो मल्टीमीटर के ज़रिए ये मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों कि ये फ्यूज़ ओपन तो नहीं हो गया। ये देख लें दोस्तों, ये मैं चेक करके बताता हूँ। देखें दोस्तों, ये ओपन बता रहा है बिल्कुल, ये बता ही नहीं रहा है मीटर के ज़रिए। ठीक है ना दोस्तों, ये देख लें, ये फ्यूज़ है। इस फ्यूज़ को आपने चेक करना है, चेक करके इस फ्यूज़ को देखना है दोस्तों, क्या है ये फ्यूज़ आपके ख़राब तो नहीं हो गया, उठ तो नहीं गया ये फ्यूज़। देख लें दोस्तों, ये इस फ्यूज़ को आपने चेक करना है, ठीक है ना। देख लें, ये फ्यूज़ नहीं बता रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आरजी तौर पर चेक करने के लिए आपने ये करना है कि इसे किसी भी वायर के ज़रिए से सोल्ड करके आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लें दोस्तों, इसका मॉडल नंबर भी देख लें आप। इसके ये एबीबी इन्वर्टर का मॉडल नंबर है 6314, 24 वोल्ट डीसी है दोस्तों। ठीक है ना, ये एबीबी इन्वर्टर के अंदर एबीबी इन्वर्टर को कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देख लें, ये सारी इसकी ये फ़ैन है, इसके बीएफटी के अंदर ये फिट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा एक वायर को पहले सोल्ड करना है उसके फ्यूज़ के साथ। सोल्ड करके आपने चेक कर लेना है कि और तो कोई मसला नहीं है। अगर ये रन हो जाता है तो बाद में आप इस सेम रेटिंग के इस फ्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है दोस्तों। ये देख लें दोस्तों, ये मैंने इसके वायर को सोल्ड किया, सोल्ड करके मैं इसे चेक करूँगा, चेक करके देखूँगा दोस्तों। तो अमूमन दोस्तों इस रैपर को आपने स्लाइडली मूव करना है, जिसके ऊपर है ये रैपर को मूव करके ये अंदर देख लें, ये फ्यूज़ है। ठीक है ना दोस्तों, इस फ्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है, सही है। रिप्लेस से पहले आप इसी तरीके से सोल्ड करके चेक कर लें। ये देख लें दोस्तों, ये इसकी वाइंडिंग है, बज़ाहिर वाइंडिंग बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है, वाइंडिंग के अंदर कोई ख़राबी नहीं है। वाइंडिंग को भी आपने दोस्तों फिज़िकली चेक करना है कि आया इस वाइंडिंग में कोई मसला तो नहीं हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो आप देख लें, ये वाइंडिंग इसके बिल्कुल क्लियर है, वाइंडिंग के अंदर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वाइंडिंग है इसका। ठीक है ना दोस्तों, इसके कॉयल भी साफ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वाजे तौर पे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें।